ये ऐसे सड़क क्रॉस करते हैं यहाँ पर। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और कैसे हैं सब? तो आज मैं जा रहा हूँ छोटी सी राइड पर, उसके बाद एक लंबी राइड होने वाली है मेरी, शायद राजस्थान तक की। तो उसके पहले बाइक की सर्विसिंग भी करवानी है और मुझे देखना है कि मैं कितना फिट हूँ अभी लॉन्ग राइड के लिए। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह के बज रहे हैं 10:05, निकलने वाला था 9 बजे, बज गए 10, क्योंकि मौसम का हाल एक्चुअली थोड़ा बुरा है, बारिश वारिश की संभावना बढ़ गई है इधर आजकल, और धूप वूप नहीं निकल रही है, नॉर्थ इंडिया का आपको पता ही है। तो अभी पहले ये ऐसे सड़क क्रॉस करते हैं यहाँ पर, तो अभी पहले पेट्रोल फिल करवाएं ज़रा, उसके बाद यही वाला हाईवे लेना है, उसके बाद हरदोई बाईपास लेना है। एक्चुअली जिस जगह जा रहा हूँ वो जगह है बर्ड सेंचुरी, एक जो कि मलिहाबाद के आगे पड़ती है, मलिहाबाद के आगे एक जगह है संडीला में, ये आता लेकिन है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, सांडी बर्ड सेंचुरी। तो एक परफेक्ट वेदर है समय इस सेंचुरी को विज़िट करने का। आपको पता होना चाहिए कि यूपी में 13 से 14 बर्ड सेंचुरी हैं। तो यहाँ से अब हमको लेना है शायद राइट, वो है हरदोई और मलिहाबाद वाला रास्ता। यहाँ तो बड़ा लंबा जाम है यार, कहाँ से निकाला जाए अब। तो ये अब आ गई सिंगल लेन रोड, बड़ा ही खराब रास्ता है और गजब का ट्रैफिक है। कोई कॉल आ रही है, हेलो। हाँ बढ़िया है भाई, बताओ क्या हाल चाल। तो यहाँ अब आ गई 4 लेन रोड, मतलब अभी बन रही है, और ये निकलेगी सीधे हरदोई। तो मलिहाबाद रह गया है 7 किलोमीटर, और आपको पता है मलिहाबाद के मलिहाबादी आम बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो कि एक्सपोर्ट होते हैं, और काफ़ी घना जंगल है, और इधर सब मेरे दाएं और बाएं तरफ आम के बागान हैं इधर। अरे ये कहाँ चले आ रहे हो? कसम से यहाँ पर जो है यार, उधर चलने की जगह तो है, डिवाइडर भी कटा है, इधर क्यों चल रहे? भगवान जाने भाई, अपनी जान के साथ तो खेलते ही हैं, दूसरों की जान के साथ भी खेलते हैं। तो फिलहाल बूंदाबांदी तो होने लग गई है, अब अगर बारिश तेज हुई तो रुकना पड़ेगा। तो बारिश अच्छी खासी शुरू हो गई है यार, अब तो हालत खराब हो जाएगी, ऊपर से ठंड अलग, अब एक जगह मुझे कहीं रुकना जरूर पड़ेगा। 12 बज रहे हैं और आप मौसम देख लीजिए कैसा है, और मुझे लगता है मुझे रुकना चाहिए, और मैं अब रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। टीचर बाइक अपना ट्रैक्शन खोते हुए,
दोपहर के 11:54 हो रहे हैं और मौसम की हालत ऐसी है। और कीचड़ कुछ ऐसे लग गया है तो बाइक अपना ट्रैक्शन खो रही थी। चाय पीते हैं। चाय पिलाइए महाराज। तो मैं उस टाइम संडीला के रास्ते में, हरदोई जाने वाले रास्ते पे, और आप देख लो कैसे बादल छाए हुए हैं और बिजली की कड़कड़ाहट आ रही है। चाय पीने के लिए रुका हूँ रास्ते में। यहाँ की कीचड़ ईचड़ बहुत ज़्यादा है और बादल देखो, इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और हालत बहुत बुरी है। समझ में नहीं आ रहा कि आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ। थोड़ी देर यहाँ और रुकते हैं, देखते हैं मौसम अपना रुख कैसे बदलता है, क्योंकि आप देख रहे हो थंडरस्टॉर्म आ रहा है वहाँ पर मेरे पीछे ये, और ये देख रहे हो आप थंडरस्टॉर्म की आवाज़ आ रही है। चलते हैं, यहाँ पर खड़े नहीं होते हैं, ऐसे में यहाँ पर खड़े रहना सही नहीं है। जाते हुए फिर से अपने डेस्टिनेशन की तरफ, एक घंटे से यहाँ फंसे रहे हम लोग। आज बारिश ने काम तो ख़राब कर दिया लेकिन मौसम अच्छा भी कर दिया, लेकिन आज लेट तो ज़रूर हो जाऊंगा। अभी तो पहुंचा भी नहीं, तकरीबन शायद 1 बजने वाला होगा और मैं उस बस स्टैंड में भी नहीं पहुंचा। 4 बजे तक का टाइम होता है वहां पर। और अब ये कोई लिंक रोड आई है, बहुत ही ज़्यादा नैरो है और ऊपर से बकरियाँ बच्चे गाँव सब कुछ है, और इस तरह से 30 किलोमीटर तक रहना है इस रोड पर साथ। ऐसा तो बोल रही है, अरे कितने बाल हैं तुम्हारे। तो अब हम आ चुके हैं सांडी जो जगह है, और यहीं पर है वो बर्ड सेंचुरी। ये है सांडी पक्षी विहार, देखते हैं खुला है कि बंद है। मैं आगे निकल गया था। भैया कहाँ हैं?